स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यू आर सिविल इंजीनियर एंड फ्रॉम द टीम ऑफ माही टेक्निकल क्लास भागलपुर। आज हम लोग बात करने जाएंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो 2017 के जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम लोग बात करने जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है उसके बारे में। हम लोगों ने 5 क्वेश्चन तक पिछले नंबर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने जाएंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि द टाइप ऑफ स्टोन मशीनरी कॉमनली अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। मतलब कह रहा है स्टोन मशीनरी का कौन सा मेथड है कंस्ट्रक्शन का जो कि यूज किया जाता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। तो देखो यहां से बात को समझो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो है हम लोग एक जो मशीनरी का जो यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं कोर्स रबल मशीनरी। कौन सा यूज करते हैं? कोर्स रबल मशीनरी, ठीक है। इसको खास करके हम लोग रेसिडेंशियल काम के लिए यूज करते हैं, या हम लोग कोई पब्लिक बिल्डिंग बनाते हैं वहां पर यूज करते हैं, या कोई पियर बनाते हैं या एबुटमेंट बनाते हैं तो वहां पर हम लोग कोर्स रबल मशीनरी यूज किया जाता है। कोर्स रबल मशीनरी का 3 टाइप होता है, फर्स्ट क्लास रबल मशीनरी, सेकेंड क्लास कोर्स रबल मशीनरी और थर्ड क्लास कोर्स रबल मशीनरी, ठीक है। और जो कि हमारा ज्वाइंट के हिसाब से है कि ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम लोग 15 सेंटीमीटर तक का हाइट का यूज करते हैं, सेकेंड में हम लोग 12 सेंटीमीटर का ज्वाइंट देते हैं और थर्ड में हम लोग 16 एमएम का सभी में एमएम है, ऊपर पहले वाले में सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमारा कि इसका सीधा आंसर होगा कोर्स रबल मशीनरी, वो सब बात आगे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पीच ऑफ स्टेयर शुड नेवर एक्सीड। पीच जो होता है वो हमारा स्टेयर में कितना से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमारा जो पीच होता है वो 40 डिग्री से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आप लोग पिक्चर में आओगे कि पीच क्या होता है मैं वहां से आपको दिखाने का बात करता हूं। तो लोग यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो तो इसी को कहा जाता है पिच। तो ये जो एंगल होता है ये 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही बात कहा जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग पिच भी समझ में आ गया कि क्या होता है, ठीक है, ये याद रखना आप। ये होता है हमारा राइजर होता है, ये हमारा ट्रेड होता है, ये हमारा पिच होता है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को नोजिंग कहते हैं, ये पिच लाइन होता है, ये गोइंग कहा जाता है, ये राइज कहा जाता है। तो ये सब बातें हैं आपको जो याद रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बॉटम और लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ विंडोज फ्रेम। विंडोज फ्रेम का जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या मैंने बोला? विंडो का लोअर या बॉटम पार्ट को हम लोग जो कहते हैं। आप लोग पहले फिगर देखो तब आंसर ध्यान से समझना। मैं पिक्चर दिखा रहा हूं आपको, ये देखो हमारा है एक विंडो या डोर को नाम दो। इसमें देखो यहाँ पर लोअर पार्ट, लोअर पार्ट में क्या नाम दिया गया है? सील नाम दिया गया है। और दोनों साइड को हम लोग जैम के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सील हो जाएगा, ठीक है, क्लियर याद है समझने में। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर कि अगर हमको किसी घर का किसी बिल्डिंग का लाइट को बढ़ाना है, सैनिटेशन को बढ़ाना है, तब हम लोग सरफेस को क्या करेंगे? पॉइंटिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, प्लास्टरिंग करेंगे, वार्निशिंग करेंगे। देखो यहाँ पर आपको पेंटिंग से के बारे में पता है कि पेंटिंग से कभी भी लाइट नहीं बढ़ सकता, सैनिटेशन नहीं बढ़ सकता है, प्लास्टरिंग से भी लाइट नहीं बढ़ सकता, सैनिटेशन नहीं बढ़ सकता। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन, सर पॉइंटिंग होगा या वार्निशिंग होगा? पॉइंटिंग से भी लाइट नहीं बढ़ता है। पॉइंटिंग क्या होता है तो पिक्चर से समझते हैं हम लोग। पॉइंटिंग इसको कहते हैं जो ये ब्रिक के जो होल होते हैं ना, इसको भरा जाता है ना, इसी को पॉइंटिंग कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग। ब्रिक के जो ये छेद होते हैं इसको ग्राउंडिंग के द्वारा भरा जाता है, यही होता है पॉइंटिंग, ठीक है। देखो ये भी पॉइंटिंग कर रहा है, ये भी पॉइंटिंग, कितना देखने में अच्छा लगता है। देहरादून का एक कॉलेज गए थे, वहां पर पूरा बिल्डिंग इसी तरह से बना हुआ था, ठीक है। देखो देखने में कितना अच्छा लगता है, इसी को कहा जाता है पॉइंटिंग, ठीक है। और वार्निशिंग देखो क्या होता है, वार्निशिंग इसको कहते हैं, ठीक है।
ये सब होता है भाजनी सिंह, इससे क्या लाइट बढ़ेगा, इससे हमारा लाइट बढ़ेगा, ठीक है, देखने में शानदार लगेगा, हमारा सैनिटेशन अच्छा रहेगा। तो आपको शायद आंसर मिल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, भाजनी सिंह होगा हमारा, कोई दिक्कत, तो राइट आंसर क्या है, भाजनी सिंह। तो मैं फिर से बता दूं आज का आंसर जो जो है हमारा, मान सके ना तो मिला लेना आप लोग, सिक्स का आंसर होगा कोस्टल मशीनरी, इसका होगा हमारा 40 डिग्री, सेवन का होगा हमारा सील, और नाइन का होगा हमारा भाजनीसी। थैंक यू आप लोगों को यहाँ तक देखने के लिए, अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू, इस तरीका से हम लोग आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आप लोगों तक पहुँचाया जाए, उसको हम लोग जरूर पहुँचाएंगे। थैंक यू।